चलो तो सबसे पहले ना आज आगे की चीजें करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा डिजीजेस के बारे में जो आपने बोला था जी उन चीजों के बारे में जरा सा बात करेंगे कि माइंड और बॉडी का क्या रिलेशन है, डिजीजेस का क्या मतलब है, कैसे है, क्या चीजें है ना, तो थोड़ा इसे समझना शुरू करते हैं। देखो क्या होता है ना कि डिजीजेस किस तरह की होती है। डिजीजेस एक तो होती है जिसको हम पहले कहते थे कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, याद है आपको कि जब पहले डिजीज होती थी जिसको हम कहते थे कॉम्युनिकेबल डिजीजेस, एक इंसान को हुई है उसके क्लोज में कोई दूसरा आएगा तो उसको हो जाएगी, है ना। यानी कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसके सोर्सेज या फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल है, क्लियर है, वायरल इंफेक्शन, हाँ जैसे कुछ वायरल इंफेक्शन हो गया, कोई और चीज हो गई है ना, मच्छर के काटने से कुछ हो गया या जो भी ये चीजें, तो ये सब क्या थी, ये सब चीजें थी एक्सटर्नल फैक्टर से होने वाले डिजीजेस। तो इनका एक टाइम था, उस समय बहुत सारे लोग इससे मर भी जाया करते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन साइंस ने अपने आप को डेवलप किया, बहुत सारी चीजें हुई और ये सब का जो रेशियो है ये बहुत कम हो गया। लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बड़ी हो गई वो हो गई लाइफ स्टाइल डिजीजेस, या जिसे कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस। अभी WHO जो है ना वो भी ये मानता है कि मैक्सिमम डिजीजेस क्या है, साइकोसोमेटिक। तो ये साइकोसोमेटिक डिजीज का मतलब क्या है, साइकोसोमेटिक होता क्या है, तो क्या होता है ये साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है, जरा सा हम इसे समझते हैं, राइट। तो देखो क्या होता है, साइको का मतलब होता है माइंड और सोमा का मतलब होता है बॉडी। साइको का मतलब क्या होता है, माइंड, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये होता है कि जो मैक्सिमम आज के टाइम पे डिजीजेस हैं वो डिजीजेस शुरू कहां से होती हैं, माइंड से, साइको में शुरू होती है, क्लियर। और उसके बाद क्या होता है कि उसका इफेक्ट जो होता है वो सोमा में नजर आता है, यानी कि रूट कहां है, माइंड में, और फ्रूट कहां है, बॉडी में, और डॉक्टर ट्रीट किसको करता है, बॉडी को, यानी कि वो जो गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो फ्रूट लेवल पे कर रहे हैं। और चैलेंज कहाँ पड़ा हुआ है, जो रीजन है, इश्यू कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है माइंड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड को ठीक नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी को ठीक कर रहे हैं। तो वो सिंपल सी बात है कि आज अगर कोई आपका फ्रूट खराब है और उस फ्रूट के ऊपर थोड़ा सा आप कुछ मेडिसिन लगा दो, कोई चीजें कर दो, थोड़ी सी उसकी हीलिंग कर दो, तो उससे वो फ्रूट थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर जड़ में ही कमी है तो अगली बार क्या हेल्दी फ्रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कि जब हमारे सेल्स रिप्लेस होंगे, आज डॉक्टर क्या करते हैं, किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत है उसको काट के निकाल देंगे या उसको ऑपरेशन करके कुछ कर देंगे, कुछ टाइम के बाद क्या होता है वो सेम चीज रिपीट हो जाती है। तो जब आपने उसको कट कर दिया या आपने वो चीजें कर दी तो फिर कैसे वो वापस आ गया, क्योंकि जिस सोर्स कोड से वो प्रोड्यूस हो रहा था वो सोर्स कोड पे तो कोई चेंज नहीं किया, उसको जो इश्यूज जो इफेक्ट कर रहे थे उसको आपने कुछ भी नहीं किया, क्लियर हो रही है चीजें, राइट। तो इसलिए से हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस कि माइंड में कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर हमने हैंडल नहीं किया तो बॉडी में कई बार वो डिजीज के फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाते हैं। और जब राहुल ने ज्वाइन किया था रीडिजाइन योर लाइफ तो मैंने वहां पे एंथनी रॉबिन्स का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एंथनी रॉबिन्स कहते हैं कि डिजीज इज द क्योर, याद आ रहा है आपको राहुल, मैंने बताया था कि डिजीज क्या है, क्योर है, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं क्योर है कि वो आपको कुछ हील कर रही है, वो ये बता रही है कि आपकी बॉडी में कोई चीज गड़बड़ चल रही थी अब वो डिजीज के फॉर्म में उभर के आ गई। समझ आ रही चीजें, आपकी बॉडी में या माइंड में कुछ चीजें गड़बड़ चल रही थी और आपकी बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो सिम्टम्स आपके सामने आ रहे हैं, वो सिम्टम्स अभी आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप उसका मैसेज समझ जाओ, अगर आप उसके डीप में चले जाओ तो आप बहुत कुछ वहां पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते, क्लियर हो रही है चीजें, राइट। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो हमें नजर आती है डिजीज है, उसका रीजन हम कुछ और समझते हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन एक्चुअली कुछ और होता है। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल, एक दो एग्जांपल्स आपको बता देता हूं तो आप समझ जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल होता है लोगों को आज के टाइम में, जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो लोग डॉक्टर क्या करता है बताओ, किस चीज की मेडिसिन देता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है एक्चुअली, कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है उसके लिए,
डॉक्टर उसके लिए ब्लड को थिन करने की मेडिसिन देता है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? जो कि नहीं करना चाहिए। अब आप सुनो, कोलेस्ट्रॉल क्योर है आपके लिए। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ डिजीज, कोलेस्ट्रॉल इज योर क्योर। किस चीज को क्योर कर रहा है आपकी बॉडी, आपको मालूम है? आपकी बॉडी एसिडिक है, तो आपके जो बॉडी में एसिड्स फ्लो कर रहे हैं आज के टाइम पे, वो एसिड्स आपके आर्टरीज को खराब ना कर दे, उसको छलनी ना बना दे, इसलिए बॉडी को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा करना पड़ रहा है। समझ आ रही चीजें? और ये कोई डॉक्टर हमें नहीं बताता कभी, ध्यान से सुनना। कोलेस्ट्रॉल क्या है? फैट की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिससे हमारी जो आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्लड वेन्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, वो डैमेज ना हो जाए, उसको बचाने के लिए क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है। अगर आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी का जो मेन एक रोल है वो है खुद को ठीक करना, खुद को ठीक रखना। क्लियर है? जब हम वो नहीं रख रहे हैं, और जितनी भी मेडिसिन होती है, एक कॉन्सेप्ट है वो ये भी कहता है कि मेडिसिन का मैक्सिमम रोल मालूम है क्या है? कि मेडिसिन के थ्रू आपकी अवेयरनेस उस पर्टिकुलर पार्ट पे चली जाए और माइंड उस पर काम करना शुरू। क्लियर हो रही है? तो बड़ी स्ट्रेंज मैं चीजें बता रहा हूँ थोड़ी आज, स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने खुद के घर में ये बदलाव चाहती हूँ जो मेरे पापा, मैंने जैसे बताया सीनियर सिटीजन है, और उनका अगर हेल्थ रिपोर्ट में निकालूं तो काफी कुछ क्लियर आता है, मतलब उनके एज के हिसाब से मेडिकल उनके रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, फिर भी वो 5 साल से कंटिन्यूस किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे कुछ मेडिसिन लेके आएंगे और खुद खाएंगे भी, टाइम टू टाइम खाएंगे। अब मुझे फिक्र इसकी है कि ये जो केमिकल कंजर्वेशन के बॉडी में हो रहा है, तो कहीं उनको वो किडनी डिसऑर्डर तक ना ले जाए, तो मैं उनको स्टॉप करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उसके लिए अभी तक कोई सोर्स नहीं है जो मैं उनको बोलूँ कि इसके बजाय ये यूज। हाँ बिल्कुल, तो वो मैं बता दूंगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं उस पर याद ही लाना मुझे बता दूंगा। तो अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो समझ रहे हैं आप चीजों को? तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि हमें मेडिसिन जो है वो अपने आप में क्या है, मेडिसिन एक केमिकल है जो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रही है, बहुत कुछ क्रिएट कर रही है, तो उसकी जरूरत है या नहीं है, तो मतलब मेडिसिन का इनटेक तो मतलब जितना ना के बराबर हो सके, जरूरत ही ना हो उतना अच्छा है, बल्कि एक्सटर्नली ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत पड़े वो ठीक है, लेकिन अगर खाना पड़े तो उसको जितना अवॉइड कर सके ना उतना अच्छा है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। क्लियर हो गई चीजें? उसकी कंपैरिजन में सप्लीमेंट्स लाख गुना बेटर होते हैं, करोड़ों गुना बेटर होते हैं। खैर उसको बात करेंगे बाद में, तो अभी आप समझो ध्यान से। क्लियर हो गई चीजें? तो होता क्या है कि हमारी बॉडी अगर एसिडिक है तो जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, बात समझ में आएगी, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं हो पाएगा कि हम पूरा डिटेल में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करें, लेकिन आप समझना कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी आपका माइंड यानी कि आपका सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, वेन्स के अंदर डिपॉजिट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि आपकी बॉडी जो आज एसिडिक हो चुकी है वो डैमेज नहीं कर दे चीजों। क्लियर हो रहा है? राइट? तो अगर आप अपने आप को एसिडिक डाइट से एल्कलाइन डाइट पे ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो कोलेस्ट्रॉल खत्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमें डॉक्टर ये नहीं बताता, हमें डॉक्टर बीपी की मेडिसिन दे देगा आने वाले टाइम में, और क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये मेडिसिन अपनी जिंदगी भर चलने वाली है, है ना? जीना है तो वो हमको कोलेस्ट्रॉल के लिए दे देगा, ब्लड को पतला करने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि जो पाइप थी हमारी वो छोटी पतली हो गई, ठीक ब्लड उसमें फ्लो नहीं कर पा रहे, तो ब्लड को पतला कर दो, फिर उसका हार्ट पे अलग इफेक्ट है, उसका किडनी पे अलग इफेक्ट है, हर चीज के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग इफेक्ट है। और चेंज हमें क्या करना था, हमारा जो बॉडी है ना, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल बॉडी है अगर आपको पता हो, और जो हमारी बॉडी है ये स्लाइटली एल्कलाइन होनी चाहिए, मतलब एक होता है एसिडिक लेवल और एक होता है बेसिक लेवल, पीएच लेवल में आप जाओगे तो हमारी स्लाइटली एल्कलाइन होनी चाहिए, उसका कुछ 7 समथिंग इतना होगा तो एल्कलाइन हो जाएगी हमारी बॉडी, उसके पहले होगा तो एसिडिक होगा, है ना? आप देखेंगे वाटर भी आता है, अल्कलाइन वाटर भी आता है, हां अल्कलाइन वाटर आता है, नेटवर्किंग कंपनीज बेचती हैं आजकल बहुत,
वो वाटर प्यूरिफायर देती हैं या एक्वाजल के नाम से आएगा, अलग अलग कंपनीज आती हैं और ऐसे अभी ऐसे भी आने लगे, मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग की जगह नॉर्मल वाले भी आने लगे, जो लोग अब रॉड्स देते हैं कि इसको आप पानी में डाल दो तो अल्कलाइन हो जाएगा और उसके बाद फिर आप उस पानी को पी सकते हैं। तो वो सारी जो चीजें हैं उसके साथ साथ में अगर आप खुद ऐसे फूड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाओ जो अल्कलाइन है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, अल्कलाइन होती चली जाएगी। आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी, आपको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो बीपी का जो प्रॉब्लम है उसके पीछे बेसिक रीजन है कि आपका बॉडी जो है वो एसिडिक लेवल पे। हाँ, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा बीपी का जो रीजन है, जो माइंड की बात की, साइकोसोमेटिक मेंटल प्रेशर्स है आपके ऊपर। तो जो प्रेशर्स हैं, जैसे अभी भी, अभी की बात सोच लो, अभी कोई कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आप मेंटली बहुत फंस जाओ, स्ट्रेस में आ जाओ, ऑटोमेटिकली आपका बीपी बढ़ जाएगा। जब बीपी बढ़ जाता है डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा चिंता मत किया करो। जैसे मैं अपनी मदर को लेकर डॉक्टर के पास जब जाता था तो वो बीपी चेक करते थे हर बार, तो बोलते थे कि इनको बोला करो ना फालतू का, सब बच्चे आज अच्छी जगह सेटल तो है, सब अच्छा करे, टेंशन किस बात का लेती। तो टेंशन से बीपी बढ़ रहा है क्योंकि प्रेशर माइंड पे है और माइंड वो प्रेशर कहाँ ट्रांसफर कर दे रहा है, बॉडी में, ब्लड वेन्स पे। इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, दूसरे तरीके से बताता हूँ, आप समझ पाएंगे इसको। एक चीज होती है, जैसे जब हम लोग केव मैन थे, समझते हो, केव मैन यानी जब हम लोग गुफाओं में रहते थे, है ना, लास्ट हजारों साल पहले जब गुफाओं में रहते थे, तो क्या होता था कि लोग कैसे रहते थे, जंगली जानवरों के बीच में रहते थे। आपके आसपास शेर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, तेंदुआ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता था, और कोई हमारे पास बहुत बड़े हथियार नहीं होते थे, बहुत सेफ घर नहीं होते थे, तो हमारा जो पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता था कि जैसे ही हमारे सामने अगर कोई शेर या कोई एनिमल आता था तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती थी। तो फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मोड का मतलब होता है कि या तो अब आप शेर से लड़ो और या तो जितना हो सके तेजी से भाग जाओ। तो जैसे ही हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में आती है तो हमारी बॉडी बहुत सारी चीजों को स्टॉप कर देती है। यानी हमारा डाइजेशन चल रहा था, देखो बॉडी को क्या करना है, आप ऐसे सोचो ना, आपके जैसे आपके मोबाइल की बैटरी आपको यूज करनी होती है, टॉर्च जलाना होता है या कुछ और करना होता है या मैक्सिमम यूज करना होता है, आप क्या करते हैं, डेटा कनेक्शन बंद कर देंगे, वाईफाई बंद कर देंगे, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो सबको बंद कर देंगे, क्योंकि वो सारी बैटरी आप क्या कर सके, एक जगह यूज कर सके। समझ आ रहा है आपको? तो बॉडी भी ऐसे ही काम करती है, वो कहती है अभी या तो लड़ना पड़ेगा और या भागना पड़ेगा, तो इसमें पूरी एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम प्रोसेसेस हमारे बंद कर देती है। क्लियर है ना? डाइजेशन रुक गया तुरंत के तुरंत, बहुत सारी और जितने हमारे और सिस्टम्स चल रहे थे सारे स्टॉप हो गए और सारी एनर्जी हमारी बॉडी में सप्लाई कर दी गई किसके लिए, आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो। अब क्या होता है कि जब हम फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, तो हमारे क्या होता है कि हमारे अंदर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, एड्रेनालिन, है ना। तो अब क्या होता है कि वो प्रोड्यूस होता है, वो किस लिए है कि बाकी चीजें रुक गई है, मैक्सिमम एनर्जी मिल गई है। तो ये जब तक हम केवमैन थे तब तक के लिए तो अच्छा था, समझ आ रहे हैं, क्योंकि तब हमारे पास करने के लिए कुछ था, यानी कि जो एनर्जी आपको सप्लाई की गई, नाउ दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड, इट कैन बी चैनलाइज्ड, इट कैन बर्न आउट। समझ आ रहा है आपको? अब क्या है, अब सेम फाइट और फ्लाइट मोड हमारे अंदर जो कभी हफ्तों में एक दिन क्रिएट हो जाता था वो हर रोज पता नहीं कितनी बार क्रिएट होता है। क्यों? वो ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं मेरे नहीं है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है मेरी नहीं है, उसकी फैमिली में बहुत हैप्पीनेस है मेरे में नहीं है। यानी एवरी टाइम यू आर कमिंग इनटू स्ट्रेस, जिसमें क्या कह रहा है आपका माइंड कि आपको पूरी एनर्जी दे रहा है कि या तो लड़ो और या तो भागो, क्योंकि माइंड को इन चीजों में और शेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं समझ में आता। समझ आ रही चीज है? उसको सिचुएशन पता है कि इट इज अ सिचुएशन विच इज फाइट और फ्लाइट मोड। अब क्या होता है कि कंसिस्टेंटली बार बार अगर आप फाइट और फ्लाइट मोड में आ रहे हैं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको काम करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वो आपकी बॉडी पे ही आपके अगेंस्ट में काम करेगी, कहीं तो अटैक करना है ना।
तो कहाँ अटैक करेगी? आपके ऊपर। और ये क्या है? यही तो ऑटो इम्यून है। समझ आ रही चीजें? क्योंकि आपकी खुद की जो चीजें, जो कैपेबिलिटी डेवलप हुई, वो एनर्जी क्या है, डब्ल्यूबीसी में जाएगी, कहीं और जाएगी, यानी कि आपके खुद की जो रोग से या किसी चीज से फाइट करने की जो ताकत आपके अंदर थी, अब वो चीजें एक्टिवेट हो गई, एनर्जी कहीं तो यूटिलाइज होनी है, अब वहां यूटिलाइज हो गई, अब वो किसी चीज के ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि एनर्जी कहां खत्म होगी, डाइजेशन अब हो नहीं रहा, बाकी प्रोसेसेस बंद हो चुके हैं, क्लियर? और इसीलिए मेडिकल साइंस के पास ऑटो इम्यून का कोई इलाज नहीं है। क्लियर हो रही है चीजें? प्रॉब्लम माइंड में क्योंकि हमने अपने लाइफ की क्लैरिटी नहीं डेवलप की है, माइंडसेट नहीं डेवलप किया, हमने अपने आप को इस तरीके से नहीं समझा है कि हम इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। कोई इमोशनल प्रेशर है, उसको हमें रिलीज करना नहीं आता, किसी चीज से हम स्ट्रेस में आ गए, किसी की सक्सेस देख के स्ट्रेस में आ गए, ये सब हमें हैंडल करना नहीं आता। और मतलब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये दिस इज द कॉज जो चीजें क्रिएट कर रहा है लाइफ स्टाइल डिजीजेस काइंड ऑफ। प्लस उसके बाद हम उसमें फूड भी गलत तरह का डाल देते हैं, मतलब एल्कलाइन की जगह हम जितने भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो सारे प्रोसेस्ड फूड क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं, यानी हमारी बॉडी को एसिडिक बनाते हैं। क्लियर है? तो हमें किधर शिफ्ट होना चाहिए? एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। सर कॉर्पोरेट पे डेडलाइंस बहुत ज्यादा होती है, दैट इज आल्सो द रीजन की। हां, तो इसीलिए तो वो वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग होते हैं, अगर यूएस को आप देख लो तो। डेडलाइंस की वजह से कंटीन्यूअस और चार महीने का काम एक महीना में कर दो तो वो कंटिन्यू बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। बिल्कुल। तो वो जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, वो आपके ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहा है, और इसका लोगों को अंदाजा नहीं होता। क्यों आज इतना डायबिटीज होता है, क्यों आज इतना बीपी का है, क्यों आज इतने हार्ट के चैलेंजेस है, क्यों आज डॉक्टर एकदम नॉर्मल से लेता है, आपका कुछ भी ऐसा इश्यू है लाइफ स्टाइल इश्यू है तो नॉर्मल है, तो सबको होता है। इंश्योरेंस एजेंट आएगा तो बोलेगा कि सर कुछ साल अभी कुछ सब ठीक है, लेकिन कुछ सालों में तो होने वाला है ना, तो पहले से ही पॉलिसी लेके रखो। हाँ, तो क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमने ना तो अपने डाइट को ठीक किया है, ना हमने अपने माइंड को हैंडल करना सीखा है, और उससे क्या है, हमारे खुद का हमारा सिस्टम हमें स्ट्रेस में, देखो क्या है माइंड, मैंने आपको बोला अनकॉन्शियस माइंड का क्या, एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन, तो वो आप स्ट्रेस में हो तो वो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेके जा रहा है, उसकी क्या गलती है? वो तो ये कह रहा है ना कि अब कुछ करो, और कुछ कर रहे हो नहीं आप, तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आप जा रहे हो, और आपका खुद का सिस्टम आपको नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? अब ऑटो इम्यून का एक चीज और मैं बता देता हूँ। ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना माइंड को मैनेज करने वाला, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे ये नहीं पता होता कि कौन सी चीजें एक्सटर्नल ऐसी चीजें जिसपे हमें अटैक करना है, कौन सी हमारी इंटरनल चीजें। क्लियर है? ये ऑटो इम्यून होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज करो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है ना, इस टावर के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसपे गन लेके एक सोल्जर खड़ा है, ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? अब क्या हुआ कि यहां पे इसके साइड वाले सोल्जर्स हैं, क्लियर है, इसके साइड वाले सोल्जर्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या इसको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है ये सब हमारी यूनिफॉर्म पहने हुए हमारे लोग हैं। बाहर से अगर कोई आता है अटैक करने और उसकी यूनिफॉर्म अगर अलग है, क्लियर है ना, उसकी यूनिफॉर्म क्या है, अलग है, तो इसको क्या मालूम है कि कौन से मेरे वाले और कौन से दूसरे वाले हैं, तो वो क्या करेगा, इनको गोली मारेगा। समझ आ रहे आपको? लेकिन आज हमारे सिस्टम के साथ क्या होता है, जब ये सारे स्ट्रेस वाले वाले सिचुएशन में होते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है, ये कंफ्यूज हो जाता है, इसको ये नहीं समझ आता कि हमारे वाले कौन से हैं और बाहर वाले कौन से, उसको सब एक ही यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। क्लियर है? और जब एक ही यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि लड़ाई तो हो ही रही है, तो वो क्या कर रहा है, ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, और उससे क्या हो रहा है कि वो खुद के सिस्टम को डैमेज कर रहा है। यही ऑटो इम्यून डिजीज है। व्हेन योर इम्यूनिटी सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब, गेट्स कंफ्यूज्ड, और उसको ये नहीं समझ में आता कि कौन से चीज पे अटैक करना है, कौन से चीज पे अटैक नहीं करना है, तो वो स्ट्रेस में है, उसको कुछ तो करना है। समझ आ रहे आपको? उसको टास्क मिला है, हमला हो गया, मारो, किसको मारो ये नहीं पता, तो वो किसी को भी मार रहा है। अब सुनो, डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी ये नहीं मालूम कि ये कैसे करें, सेपरेट कैसे करें इन्हें,
एक्चुअल रीजन क्या है, माइंड के लेवल पे क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे केमिकल्स ऐसे चीजें देते हैं कि जिससे ये अटैक करना बंद कर दे। अब जब ये अटैक करना बंद करेगा तो क्या करेगा, अपने वाले को भी नहीं मारेगा और दूसरे वाले को भी नहीं मारेगा, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा और फिर क्या करेगा, एक्सटर्नल वाला आराम से मारेगा। समझ आ रही है आपको चीजें? तो ये सब जो है जो हमारे सिस्टम्स के अंदर चल रहा है आज के टाइम पे। तो जब आप ये चीजें सर्च करेंगे ना आपको, तो बहुत सारे लोग आज इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब अभी ऐसा माना जा रहा है जो एनएलपी की फैटर्निटी ये मानती है कि आने वाले टाइम में ऑटो इम्यून का सिर्फ क्योर एनएलपी के थ्रू ही हो पाएगा, बाकी और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। ऑटो इम्यून इसलिए है कि आपका जो आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमला कर रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल थिंग, कुछ भी नहीं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमला करना शुरू कर दे रहा है आपके ही इम्यून सिस्टम पे, यानी आपके ही चीज़ पे। बाहर से कुछ आ रहा है या नहीं, बट वो तो अटैक कर ही जा रहा है, चाहे अपनी सेल्स को खा रहा है। हाँ, लेकिन हमला का कोई मेंशन है ना ऑटो इम्यून में? सो ऑटो इम्यून ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली आप खुद का बढ़ रहे हैं। उसमें ये कहते हैं कि जैसे अगर आप ना, अभी ऑटो इम्यून टर्म तो काफी नया है एक तरीके से देखे तो, पहले डॉक्टर्स इसको किस तरीके से कहते थे, जैसे पर्सन को था कोई चैलेंज, डॉक्टर के पास गया तो बोला कि ये मुझे दिक्कत क्यों है, क्या मेरी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है? तो उसने बोला नहीं, ज्यादा काम कर रहा है। ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, यानी जहां नहीं भी करना है वहां पे भी कर रहा है। क्लियर हो गई चीज है? तो ये एलर्जी का जो से जो टेस्ट करवाते हैं कई बार बहुत ज्यादा आ जाता है, वो भी शायद मेरे ख्याल से यही होता है, हो सकता है। अभी देखो, अभी क्या है ना, इसका एक इस तरह की चीजों का, जैसे एस्थमा या कोई भी ट्रिगर्ड चीज होती है, उसका एक इलाज आपको बता देता हूँ, बता दूं, डायबिटीज और शुगर जो चीजें हैं ना, ये जो सारी चीजें हैं, उसमें फिर कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका इंसुलिन है, वो इंसुलिन क्या हो रहा है, हाँ मतलब वो सेल्स को अनलॉक करता है ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करने के लिए, ऐसा कुछ होता है ना उसमें? दो तरह से होता है, एक ये है स्ट्रेस की वजह से पैंक्रियास इंसुलिन तो बनाती है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, ये भी एक रीजन होता है। दूसरे में अब फिर इसके बाद फिर सेकंड स्टेज आता है, बॉडी उसको यूज नहीं कर रहा है, तो ब्रेन उसको इन्फॉर्म नहीं करता, ब्रेन की भाई ऑलरेडी प्रोड्यूस कर है, आप बंद कर दीजिए, तब जाके बीटा सेल्स पैंक्रियास डेड होना शुरू होता है। बिल्कुल ऐसा टाइप, बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें है ना, इस पे क्या, जैसे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, क्योंकि मैंने डिजीजेस पे स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, हर इंसान का एक डोमेन होता है, तो मेरा जो स्ट्रक्चर से बता रहा हूं ना, वो सभी से एंटर, वो आप समझ जाएंगे। जैसे ध्यान से सुनो, हम करते क्या है, जैसे कोई इंसान कहता है एलर्जी, अस्थमा भी काइंड ऑफ एलर्जी है, तो मैं एलर्जी के बारे में बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे सपोज करो कि कोई पर्सन कहता है कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, जैसे ही डस्ट आता है मुझे बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है, ये आने लगता है, सफोकेशन होने लगता है। अब एक बात समझो, ये ही इंसान को टैल्क लगाने से, पाउडर लगाने से तो एलर्जी नहीं हो रही है, आटे से तो एलर्जी नहीं हो रही है, समझ आ रही चीजें? यानी सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल से नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरे पार्टिकल से हो रही है, समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब एक सिचुएशन में नहीं हो रही है, दूसरी सिचुएशन में हो रही है। तो अब इसके लिए आप एनएलपी की उसको टेक्निक करा सकते हैं, राइट? जैसे अदर यूपी टेक्निक, जैसे आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सबसे पहले कि यू सी एन अदर यू हु इज कंफर्टेबल विथ वीट फ्लोर, या ये और वो उसे खेल रहा है या क्या कर रहा है, और ये कर रहा है वो कर रहा है, इज कंफर्टेबल, क्लियर है? और ये तो अदर यू है ना, समझ आ रही है चीजें? नाउ जब वो उसके साथ कंफर्टेबल है पूरी तरीके से, नाउ देखो कि वो वीट फ्लोर के साथ साथ स्लोली वहां पे कुछ हवा चल रही है, कुछ धूल आ रही है, चीजें आ रही है, स्टिल द अदर यू इज कंफर्टेबल,
समझ आ रहे आपको? यानी कि आपने क्या किया, एक तरफ के रिसोर्स ले ली, याद है एनएलपी का प्रीसपोजिशन, यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज यू नीड। अगर आप वीट फ्लोर के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, टैल्कम पाउडर के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, तो धूल के साथ भी हो सकते हो। धूल का कोई लेना देना नहीं, वो पीआईआर का गेम है, प्रोग्रामिंग का गेम है सारा। समझ आ रहा है आपको? अभी आपने क्या किया कि वो इसके साथ कंफर्टेबल है, नाउ वहां पे ये भी चीजें हो रही है, एंड स्टिल द अदर यू इज कंफर्टेबल। अभी अदर यू को कंफर्टेबल कर दिया आपने, समझ आ रहे? अब आपको क्या कहना है कि नाउ द अदर यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड इट इज इंटीग्रेटिंग विद यू, और आप दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, एंड यू आर लर्निंग द सेम पैटर्न्स, यू आर एंजॉइंग द सेम बेनिफिट्स। और जैसे ही आप ये चीजें उसको कराना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी एलर्जी खत्म होना शुरू हो जाती है। और सोचो कितनी छोटी सी टेक्निक है, लेकिन कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना? तो ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ऐसे। और जब आप बेसिक समझ गए हैं, तो आप ऐसी कितनी ही टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट जो वो वाला है, ऑटोइम्यून वाली चीजें हैं या और चीजें, उसमें आप ईएफटी चाहे तो आप ईएफटी यूज कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सिस्टम है, मेरा इम्यून सिस्टम है, ये पूरी तरीके से विजडम से भर जाए और ये पहचान सके कि कौन सी चीजें एक्सटर्नल है और कौन सी चीजें इंटरनल है, और आपको नहीं मालूम कि ये क्या मैजिक कर सकते। समझ आ रहा है आपको? ये चीजें अप्लाई तो किसी को भी कर दे, नुकसान तो कुछ है नहीं, फायदा शायद हो जाए। और बहुत ज्यादा फायदा होता है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी है ये चेंज होते हुए, जरा सा परसेप्शन चेंज करते ही। अभी मैं आपको अपना घर, अपने फैमिली का बताता हूँ। दिल्ली में भी 2 साल पहले बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, पता है आपको, जब वो इधर आग लगाई गई थी खेतों में और सारा पॉल्यूशन आ गया था और सब, मतलब इनफैक्ट प्रैक्टिकली इतना था कि ऑफिस मेरा 3rd फ्लोर पे है, ऑफिस के कॉरिडोर के अंदर में स्मोक फील हो रहा था। कितना? कॉरिडोर के अंदर स्मोक फील हो रहा था, मतलब जैसे कॉरिडोर लंबा सा है ना तो दिखाई देता है, तो वो धुंधला हो जा रहा था, मतलब यू कैन सेंस कि इसके अंदर क्या है, पॉल्यूशन है यहाँ पे, इतना हो गया था। और कितना रोल होता है, रात का टाइम है, मैं वाइफ और बेटी घर पे है, न्यूज में अचानक से आया सेंटेंस सुनना, कितना खतरनाक काम ये लोग करते हैं, इन लोगों को मालूम नहीं होता क्या दम घुट रहा है दिल्ली का, सांस तक नहीं ले पा रहे हैं लोग, ऐसे ही तो न्यूज वाले बोलते हैं ना, क्लियर है? हाँ। और अभी वाइफ वो सुन रही है, अभी तक भी वही पॉल्यूशन है, सब कुछ है, लेकिन वो सुन रही है। थोड़ी देर बाद उनको तुरंत ऐसा लगना शुरू किया कि ये मुझे सफोकेशन हो रहा है, और वो एकदम जिसको बोलते हैं ना कि ब्रीथ नहीं कर पा रही, वो वाला हाल। अपने घर का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, रात का, और वो कहती है हमें कुछ हो रहा है, आप समझ नहीं आ रहा क्या करें, एकदम ऐसा लग रहा है मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, और खिड़की का पर्दा लगा दीजिए, ये वो सब लगा दिया, लेकिन वो अनकंफर्टेबल, मतलब रात का सीन ये था कि अब लगा कि अब मुझे इनको कार में बैठा के अब मेरठ की तरफ या कहीं इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, दिल्ली से जितना दूर हो सके कि वो, और बाद में इन्होंने क्या बताया कि बोले वो आप तो ये कह रहे थे कि वो लेके जाओ, मुझे तो लग रहा था मैं नीचे तक जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। क्लियर? तो मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको तुरंत बिठाया, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अब क्या है ना एनएलपी इंटीग्रेट हो गई है ना अपने अंदर, तो तुरंत काम तो दिमाग तो करता ही है। तो मैंने कहा क्या आपको क्या क्या समझ आ रहा है, बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ पूरा धुआं धुआं है और मैं सांस ले रही हूं तो पूरा धुआं जा रहा है। तो मैंने उनको तुरंत बोला, मैंने कहा चलो अच्छा आंखें बंद करो एकदम, अभी आप ये देखो कि जो जिसको आप धुआं कह रहे हो, कोहरा भी तो ऐसे ही होता है ना, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, और क्या उसमें आपको सांस लेने में कोई दिक्कत होती है? नहीं। क्या किया मैंने तुरंत, पीआईआर चेंज। समझ आ रहा है आपको? पीआईआर तुरंत चेंज, और ये चीज है। और अभी आप ये फील करो कि जो भी सांस आप ले रहे हो वो सब फिल्टर होके आ रही है, इट इज गेटिंग फिल्टर्ड, और आप अंदर जो भी जा रहा है आपके वो अच्छी हवा जा रही है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा कराया, उनका वो जो एकदम अटैक टाइप का हो गया था ना, वो क्या हो गया, सेटल होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद भी ये था कि उस पर्टिकुलर ईयर में वो, मतलब बालकनी का, मतलब खिड़की का, हमारा 9th फ्लोर पे है तो अच्छा खासा व्यू नजर आता है, तो उसका वो कर्टन लगा के रखती थी, वो खोल के नहीं, क्योंकि बाहर अगर धुआं या वो दिखता था तो उनको अनकंफर्टेबल लगना शुरू होता। फिर थोड़ा सा जब मैंने कुछ टेक्निक्स कराए ये, तब जाके चेंज हुआ। और अभी अगर मान के चलो वो हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं, क्या इलाज है डॉक्टर के पास? वेंटिलेटर लगा के घुसा रही है, मास्क आईसीयू में डाल रही है।
बोलेंगे सांस नहीं चल रही, ऑक्सीजन मास्क लगा दो, ये कर दो, आईसीयू में डालेंगे, पहले वो आईसीयू में। समझ आ रहा है ना आपको? क्लियर हो रही है सारी चीजें? तो जो आप जानना चाह रहे थे माइंड के बारे में, डिजीज का डेफिनेशन के बारे में, डिजीज दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो इसमें क्या है, यही होता है ना डिजीज, तो इसमें एक चीज है ईज, ईज का मतलब इजी कंफर्टेबल, और डिस का मतलब अन, यानी कि नहीं है, डिजीज या अनकंफर्टेबल। तो ये जो डिजीज है वो यही है, वो ये क्या कहता है कि डिजीज का मतलब है डिस ईज, यानी कि आपके अंदर आपके माइंड के लेवल पे कुछ अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो वो क्या कर, क्या क्रिएट कर देता है, डिस ईज जो है, डिस ईज यानी अन डिसकंफर्ट आपके बॉडी में भी डिजीज के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वही बीमारी का रूप ले लेता है। डिस ईज का मतलब अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल यानी आपके माइंड का अनकंफर्टेबल रहना। जैसे आपने कितने सारे केसेस खुद देख लिए कि किसी के साथ कुछ बहुत पहले हुआ था, आज फिजिकली उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो डिस ईज है माइंड में, और किसी के लिए वो कैंसर क्रिएट कर रहा है, तो किसी के लिए अस्थमा क्रिएट कर रहा है, तो किसी के लिए ट्यूमर क्रिएट कर रहा है, किसी के लिए कुछ और क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको, उससे हमें बाहर आना नहीं आता। अभी समझ आया आपको? क्लियर हुआ? गेटिंग द पॉइंट? तो इसीलिए कभी भी देखो, साइकोसोमैटिक का मतलब क्या है, साइको का मतलब माइंड और सोमा का मतलब बॉडी। तो जब भी कभी भी किसी की बॉडी में कोई भी चैलेंज नजर आ रहा है तो आपको क्या करना है, बॉडी में तो सिम्टम्स है ना, इन सिम्टम्स के ऊपर जो काम करना है वो तो करना है, लेकिन साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपको माइंड के अंदर पड़ा हुआ जो इश्यू है, yes. उन इश्यूज के ऊपर, वो PIRs के ऊपर, वो सेल्फ इमेज के ऊपर, समझ आ रहा है आपको? yes, इन चीजों के ऊपर काम करना। That is the rules. हाँ, और इस पे आप काम करते जाएंगे तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि सिम्टम्स को ध्यान नहीं देना, उस पर क्योर नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत अनइजीनेस क्रिएट हो रही हो, लेकिन सिर्फ इस पे काम कर रहा है बाहर का एक्सटर्नल मेडिकल साइंस, उससे काम नहीं होगा। तो अभी पता चल रहा है कि जो साइकेट्रिस्ट की जो ट्रीटमेंट होती है सालों साल क्यों चलती रहती है, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग द बॉडी, दे आर नॉट ट्रीटिंग द माइंड। टेम्पररी तो रिलीफ मिल जाता है उसका, माइंड वो ब्रेन वो केमिकल्स रिलीज करता है, लेकिन वो जो माइंड पे जो रूट है वो हैंडल नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप माइंड के लेवल पे चीजें ठीक नहीं करेंगे तब तक परमानेंट क्योर नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में मेडिकल साइंस लोगों को ठीक करने का साइंस है तो उन्हें एटलीस्ट NLP जरूर सिखानी चाहिए कि कम से कम, ठीक है आप अपनी मेडिसिन दो, लेकिन कम से कम आपको बातें क्या करनी है वो सीख लो। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपको क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। बहुत मुश्किल होता है सर इसको प्रेजेंट करने में कि माइंड से, अगर मैं 10 साल से इसको मतलब, लेकिन मेरा इंटेंशन ठीक है मैं कर लूंगा करके, और चूंकि अनकॉन्शियस लेवल वाली बातें जानता था ना, इतने दिन तक खींच लिया हूँ। अब तो वही है ना, आपकी ओपिनियन है ना, अगर जैसे लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े जो मेडिकल हॉस्पिटल्स जो है कुछ नहीं कर पाए और कैसे बात करते हैं वो भी बिना मेडिसिन कर करके, तो अब लगता है अभी साल भर 6 महीने से वो आपकी ओपिनियन है करके, पहले तो अनइजी फील होता था। दो जगह जा रहा है पेशेंट, मतलब जो डिप्रेशन का पेशेंट है ना, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है दवाइयां लेने, वहां से वो ठीक नहीं हो पा रहा, फिर वही साइकेट्रिस्ट उसको किसी काउंसलर का नाम भी सजेस्ट कर रहा है, फिर वो जो काउंसलर है वो अलग है, उसकी सीटिंग्स है। एक पेशेंट है डिप्रेशन का, मैं 2 बार उसके पास गई थी, लेडी एक, तो वो ना तो साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रही थी ना काउंसलर से ठीक हो रही थी, और काउंसलिंग सेशंस लेकर आ रही थी वो यहाँ पे दिल्ली आ गई थी साथ ही। तो वो जो काउंसलर है वो साइकेट्रिस्ट से बात कर रही है, अब ये कितना मतलब बुद्ध बनाया जा रहा है, और उसे टाइम ले लो, मान उसको अगर कुछ अंदर से प्रॉब्लम हो रही है तो काउंसलर उसको टाइम देगी कि आपको इस टाइम पे आना, 15 दिन का जो गैप है या जो भी है उसको नहीं मिली, तो मुझे तो ये पूरा मायाजाल ही समझ नहीं आया।
दो चीजें होती है, एक होता है साइकेट्रिस्ट, एक होता है साइकोलॉजिस्ट। ये दो होते हैं, दो अलग होते हैं, ये दो अलग होते हैं। सर अब जो डिप्रेशन का मरीज है किसके पास जाए? उसमें लेवल होते हैं। क्या होता है? बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि होता क्या है ना, कि होना क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। आपके इंडिया में अभी ये कल्चर आया नहीं है। अगर आपका कुछ इमोशनल मेंटल इश्यूज चल रहा है, अनइजीनेस चल रही है, तो पहले ही आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए। जब काउंसलर के लेवल से बात निकल जाती है कि अब इसका कुछ केमिकल डैमेज शुरू हो गया है ब्रेन के अंदर, निगेटिव सोच सोच के वो हार्मोन्स रिलीज कर करके, तब वो फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट उसको दवाई देता है। तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए पहले तो साइकेट्रिस्ट की। काउंसलर्स जो पहली बार, तो काउंसलर्स सही काउंसलिंग वाले होने चाहिए। वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का टाइम गया, उससे नहीं होगा कुछ आज के टाइम पे सही तरीके से। क्योंकि देखो क्या है ना, कि मेन चीज है कि आपको रूट पे काम करके उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी एक टाइम ये भी था, मैं आपको बताता हूँ, जब मिल्टन रिवर्सन वगैरह का टाइम आया था, एक टाइम पे ये भी था कि डिप्रेशन को ये मानते थे कि इसका सोर्स अगर 10 साल 12 साल पुराना है और आप 10 साल से उससे फेस कर रहे हो, तो ये एक ऐसी इलनेस, एक ऐसी बीमारी है जिसको ठीक होने में भी 8-10 साल लगेंगे, मतलब जिंदगी भर चलेगा। हाँ, तो मतलब इट वाज कॉमन कि अच्छा डिप्रेशन का आपका, आप जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, तो हाँ तो 10-12 साल तो आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो 20 साल तो उसकी लाइफ ऐसे ही खत्म हो गई इस बीच में। क्लियर हो रही है चीज है? एनएलपी वगैरह आने के बाद ये हुआ कि क्योंकि वो क्या करते थे, वो पास्ट में ही फंसे रहते थे, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था बचपन में, ये हो गया था उसके। एनएलपी कहता है कि जो हुआ वो हुआ, लाओ उसको पकड़ो, पीआईआर चेंज करो, खत्म करो उसको। अब ये बताओ अभी के बाद कैसा चाहते हो अपने आप को, उसके ऊपर फोकस करो। मतलब पास्ट को पकड़ो, उठाओ, काटो, पीटो, पीआईआर चेंज करो, ये करो, उड़ाओ, खत्म करो। पूरी हिस्ट्री भी तो जानते हैं ना, जब काउंसलिंग सेशंस लेते हैं तो वो पूरी उगलवाते हैं उनकी लाइफ स्टोरीज को। एनएलपी में शायद इतनी जरूरत नहीं, जरूरत पड़ती तो मतलब वही होता है कि जो काउंसलर है वो उसका वो पुराना वाला पास्ट का ही किया है, वो बड़ा बड़ा उसमें ही ना, काउंसलर टू काउंसलर डिपेंड करता है। अगर एक अच्छा काउंसलर है तो वो आपसे हिस्ट्री पूछ रहा है। देखो मैं बता देता हूँ क्यों हिस्ट्री पूछी जाती है। कई बार क्या होता है ना कि आपके अंदर ट्रैप्ड कोई इमोशन है, वो आपने किसी को बताया नहीं और अंदर अंदर आपको खाया जा रहा है, तो कई बार वो बता देने से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो वो पर्सन थोड़ा फ्री हो जाता है। तो एक तो इसका ये है, दूसरा एक बिलीफ लोगों का क्या था काउंसलिंग में, पुराना जो बिलीफ था वो ये था कि अगर कोई इशू पास्ट का रहा है तो जब तक आपको पास्ट के इशू को एड्रेस नहीं कर लोगे, तब तक जो उसका सोर्स है, जब तक वहां तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक वो चीज चेंज नहीं होगी। ये पुरानी काउंसलिंग का बिलीफ था, एनएलपी इस बिलीफ को नहीं मानता। क्लियर हो रही चीज है? जैसे अगर कोई कहता है मुझे इस चीज का फोबिया, मुझे हाइट का फोबिया है या स्नेक का फोबिया है, तो काउंसलर के पास जाओगे तो कहेगा पूरी हिस्ट्री बताओ, कब आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ जब वो फोबिया आया, फिर उसके ऊपर वो कुछ सजेशन देगा, फिर आपकी चीजें चेंज होंगी। एनएलपी कहता है उतने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टेक्निक एक है, उस टेक्निक को अप्लाई करो, फोबिया को अभी कभी खत्म करो, आगे की जिंदगी देखो। तो क्या होता है ना कि इसीलिए एनएलपी बहुत क्विक काम करती है, फास्ट काम करती है जब भी हम इन टेक्निक्स की बात करते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो इट इज सो पावरफुल। तो इसीलिए अगर काउंसलिंग में आप पूछते भी हो ना, तो अच्छा काउंसलर क्या करता है, वो उसको वहीं से रिलीज करता जाता है। जैसे एनएलपी का प्रीसपोजिशन उसके पास है, वो कहता है उस समय मैं और कुछ कर ही कहां सकता था, तो फिर वो कहता है लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस। चलो कोई बात नहीं, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, तो तुमने अपने हिसाब से सही चॉइस ली होगी, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद की जर्नी क्या रही। तो उसने क्या किया, वो पीआईआर को अपने सजेशन से ठीक करना शुरू कर दिया। तो अगर ये कर दिया तो पर्सन विल बिकम लाइट। लेकिन अभी क्या होता है, बहुत सारे काउंसलर्स कैसे करते हैं कि उनके पास काउंसलिंग के लिए कोई आएगा, पेशेंट अपनी स्टोरी सुनाएगा, पेशेंट भी रोएगा, काउंसलर भी रोएगी, दोनों रो लेंगे, दोनों हम दर्द बन जाएंगे, 2-4-5 महीने ये रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद कई सेशंस के लिए वो आएगी, लाइट फील करेगी, फिर छोड़ देगी, फिर कुछ समय बाद कोई दूसरा काउंसलर पकड़ेगी। लेकिन काउंसलर ने फर्दर उसको कहीं और शेयर कर दिया था, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली गई। बिल्कुल। तो इसीलिए एनएलपी में कई बार क्या होता है ना कि हमें कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हम कॉन्टेक्स्ट से काम चला लेते हैं। क्लियर है? समझ आया आपको? तो आज करीब हमने 1-1.25 घंटे ये सब चीजों के ऊपर, डिजीजेस के बारे में बात करी। समझ आया? कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई आपको?
बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इसीलिए जिंदगी में ये चीजों को समझ के लाइट रहना जरूरी है। अगर आप मेंटली लाइट हैं और आप अपने डाइट का, फिजिक का ध्यान रखते हैं, तो आपने ब्यूटीफुल लाइफ डिजाइन कर ली अपनी। सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ इश्यूलेस हो जाने से नहीं, इश्यूलेस हो गए और खा रहे जंक फूड पूरा दबा के, तो वो नुकसान कर रहे हो। दीक्षित का डाइट इज अ पॉइंट, वो दीक्षित का जो हो रहा था ना, क्या उसमें इज फाइन डाइट है या कैसे है उसमें? दो टाइम मील हो गया कैसे? मैंने, मुझे मालूम नहीं है, मैंने पढ़ा उनको तो सुना नहीं है, देखा नहीं। तो अपने हिसाब से जो चीजें मुझे समझ में आई वो कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। नहीं, वो क्या बताते हैं, पूरा दिन में कोई भी दो टाइम आप चूज करो, बीच में 8 घंटे का टाइम होना चाहिए, वो आपको जितना टाइम खाना है। अब मान लो सुबह का आपने कोई एक टाइम चूज किया है, तो आपको जितना खाना है उतना आप खा लो। 55 मिनट्स देते हैं वो, 55 मिनट्स में जो भी खाना है वो खाओ, कुछ भी खाना है, कुछ भी खाओ, व्हाटएवर यू वांट। फिर उसके बाद 8 घंटा कुछ नहीं खाने का, और 8 घंटे के बाद सेकंड ले लो, और जनरेट होता, तो उनको क्या बोलते, दो ही बार जनरेट करो, एक सुबह खाने को, तो इंसुलिन हमेशा जनरेट होता है, जब भी हम खाते हैं कुछ खाते हो तो इंसुलिन जनरेट होता है, डायबिटीज पेशेंट के लिए इज वेरी डेंजरस। तो इसीलिए दो बार खाओ। वो बोलते हैं कि पुराने में लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं था, जो साधु वगैरह थे वो दो बार ही डिनर लेते थे, सॉरी डिनर नहीं खाना लेते थे। तो ये टोटली साइंस बेस्ड होने के थे, और वो कुछ चार्ज वगैरह नहीं लेते, इज टोटली फ्री, फ्री टोटली। उनको एंबेसडर क्या क्या एंबेसडर नाम है, एंबेसडर हरियाणा का ना, वही मैं कह रही थी ना, सुबह वाला रोटी खाई है ना, तो फिर शाम को खाने, बीच का वो 8-10 घंटे जो भी होगा ना, कुछ नहीं खाते कुछ भी। कुछ भी खाओ, अगर वो भी हम करते हैं तो स्पाइन और वो भी चेंज करना होगा। देखो कुछ भी का मतलब ये है कि देखो आप अपनी बॉडी में, देखो ठीक है आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है कि आप उसके बाद 8 घंटे कुछ नहीं खाओगे तो सब डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन फिर भी अच्छा है ना कि चॉइसेस है, तो हम बेटर चीज है, इट इज बेटर टू ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस। तो बेहतर है ना कि हम, फिर अगर हमारी बॉडी कुछ भी डाइजेस्ट कर देगी, सब कुछ ठीक कर देगी, तो कम से कम उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड दे दो। मतलब इन सब चीजों से निकालने की एनएलपी सीख रहे हैं, सेल्फ विजन क्रिएट करने के लिए है ना, कि वो जो कर रहा है ना, ये सारा इनकरी जो हम लोग पढ़े हैं ना, वही तो है, वो एक बिलीफ क्रिएट कर रहा है। और जब उसको आप एनालिसिस करोगे ना, वो कितने सालों से कर रहे हैं, जितने लोगों को उसने सजेस्ट किया है उसमें से कितने लोग हेल्थ इश्यू से फ्री हो गया है, उसका डायबिटीज जो है ना मेंटेन हो गया है 10 साल से मेडिसिन, वो एनालिसिस करो तो पता चलेगा। जो मैं पिछले 18-20 साल से मेडिसिन पे भी काम कर रहा हूँ, मेरी क्लिनिक चलती है, तो इन सारी चीजों मैंने एनालिसिस किया कि जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो वो इन्फ्लुएंस रहते हैं 3-6 मंथ, 6 मंथ के बाद में वो डॉक्टर और वो एडवाइजर दोनों चेंज हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है यार, वो कोई कंसल्टिंग लेता ही, वो फ्री पैसे नहीं लेते, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, 3-6 मंथ के बाद में ना वही बंदा जो उसका प्रचार कर रहे हैं 6 महीने बाद किसी और दूसरे का करते हैं, और जो बंदा जो जिस प्रॉब्लम के लिए उनके पास गया हुआ है ना, जैसे नी जॉइंट के पास किसी बैगा या बैदराज के पास गया 6 महीने तक, ये मैक्सिमम साल भर तक के, साल भर बाद जब सुनेंगे ना तो वो दूसरा सर का नाम ले रहे हैं, कभी शैलेश का, कभी वेद सर का नाम ले रहे, ऐसा। तो मतलब ये है कि जितने लोग गए उनका डेटा तैयार करो, 3-5 साल तक उसको एक्सपीरियंस करो, तब जाके उसको फॉलो करो। सही कह रहे हैं, देखो अच्छा एक चीज है, क्योंकि देखो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वही उन्होंने वो सही चीज बोली कि इसीलिए तो एनएलपी में आ रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, सदगुरु का था, मैं एक दिन सुन रहा था, ज्यादा मुझे वीडियो सुनने का मौका नहीं मिलता, सदगुरु अच्छा बोल रहा हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, कोई पूछ रहा था डाइट के बारे में, तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि कुछ भी खाते हो
ऑब्जर्व योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में 3-4 घंटे बाद ये फीलिंग आ गई, मानो कि आपने खाया ही नहीं था, यानी इट इज नाउ अब्सॉर्ब, तो वो चीज आपके लिए अच्छी है। कोई किसी के लिए, किसी बॉडी नॉनवेज को डाइजेस्ट कर लेगी इतनी आसानी से, किसी की बॉडी सिर्फ फ्रूट्स को कर पाएगी, किसी की कुछ कर पाएगी, किसी कुछ। तो ऑब्जर्व योर बॉडी, और जो आपकी बॉडी में जाने के बाद इतना डाइल्यूट होकर गायब हो जाए, है ना, कि आप तो वो डाइट आपके लिए अच्छी डाइट है। तो कितना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे हैं। कोई कीटो डाइट के बारे में बात करेगा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, सिर्फ प्रोटीन डाइट लेनी है, ये करना है, ये करना है। कोई अभी एक है कि 8 घंटे के अंदर ही आपको खाना है, एक शायद जो आप बता रहे हो यही है, कुछ और मुझे मालूम नहीं। तो उसमें ये है कि इतना खाओ, बाकी 16 घंटे फास्टिंग आपको करनी है। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है हमारे लिए क्या है, हमारा जो एक्सपीरियंस क्या है। हाँ। अगर हमने उसको फॉलो कर लिया है तब जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे आपको जो फीलिंग है जो बता रहे हो एनएलपी, ऐसा होना चाहिए। और अभी जो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो 18-20 साल में मैंने देखे हुए कैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो 10-20 लोगों को और भेज देते हैं, और साल भर बाद फिर से वही 10-20 लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो भी हो सकता है, हमें क्या करना है, देखो अभी कल मैं आउटकम बताऊंगा, तो फिर भी मैं एक लाइन अभी बोल देता हूँ। आपको ये चेक करना है कौन सी चीज आपके आउटकम के डायरेक्शन में, जो आपके आउटकम के डायरेक्शन में है, जो आपके लिए वर्क कर रही है, जो आपके लिए फायदेमंद है, वो जिंदगी में लो, वरना दुनिया में ज्ञान का भंडार भरा हम उसके ऊपर जाएंगे तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आपका एक पॉइंट मुझे कॉन्फ्रेंस में बात किया था, बहुत अच्छा लगा, एप्लीकेशन में नहीं जीना है। हां, जो एप्लीकेशन में नहीं जीना है वो लेके वैसे चलो, वैसे चलो बिल्कुल नहीं। जो तुमको जा जो भी लर्निंग्स मिली हो पहले देखो सोचो उसके हिसाब से, क्लियर हुआ ना? राइट, तो एक बार इसको स्टॉप कर दिया, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। हेल्थ के बारे